नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम सभी अपने जीवन के बहुमूल्य स्वास्थ्य को खोते जा रहे हैं। योग इस जीवन को सही रूप में जीने की एक कला है। यह भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारी ऋषि मुनियों ने इसको जाना और पहचाना। चित्त वृत्ति निरदस्य योगा, हमें भी इस चित्त की वृत्तियों का निराकरण करने वाले योग को जानना और पहचाना चाहिए। मानव उत्थान सेवा समिति 21 जून 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे बीच आचार्य योगी अजय राणा हैं, वो योग की महत्ता के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 21 जून का दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है और दुनिया का हर व्यक्ति इस दिन योग के महत्व को समझने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे लोग यही सोचने लग जाते हैं कि हम 365 दिन में सिर्फ एक दिन योगा अभ्यास करेंगे और बाकी के 364 दिन हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो प्रतिदिन योग करना चाहिए। ये दिन सिर्फ योग की प्रेरणा देने के लिए है। आज दुनिया का हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है और जब भी इस तरह की बात सामने आती है तो दुनिया के हर देश की नज़र भारत की तरफ होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत भी स्वयं बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है। अगर आज हम इन सब बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं तो योग के महत्व को समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम योगी बनो। लेकिन योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ योगा आसन करें, क्योंकि योगी वो नहीं है जो एक मिनट तक श्वास को रोक ले। योगी वो भी नहीं है जो चक्र आसन या मयूर आसन कर सके। तो क्या कहा योगी कौन है? कहा है योगी ना कर्म कुर्वन्ति संगम तत्वात्मा महे। मतलब कि योगी वो है जो कार्य करते हुए अशक्ति को त्याग दे, वो ये भूल जाए कि इसके बाद क्या होगा, इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, इससे मुझे लाभ होगी या हानि होगी। तो योगी वो है जो अशक्ति का त्याग करके सिर्फ कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। तो 21 जून को मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा पंजाबी बाग के रेलवे कल ग्राउंड में 2 घंटे का योगा अभ्यास किया जाएगा 6:30 से 8:30 के बीच में। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होकर के इस योग दिवस को सफल बनाएं और इससे लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।